इस वीडियो में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने फ्रिज के लिए बोर्ड कैसे बनाओ ताकि करंट वगैरह नहीं आए और स्विच बोर्ड जल्दी ख़राब भी नहीं हो। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ फ्रेंड। इसकी वायरिंग कनेक्शन तो ये है एक पावर प्लग और ये है 3 पिन प्लग। हम इसकी वायरिंग कनेक्शन आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से इसके वायरिंग कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोर्ड को छेद करके यहाँ पर इसके 3 वायर इस साइड पर निकाल दिया है। अब इसकी कनेक्शंस को समझ लो, काफ़ी सिंपल बहुत ही आसान होते हैं। इस तरीके का अगर आपके फ्रिज में बोर्ड के साथ कनेक्शंस होंगे तो करंट वगैरह लगने के चांसेस भी आपके फ्रिज में नहीं आएंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इधर N लिखा है N, उसी तरीके से स्विच में भी फ्रेंड इसके सामने साइड पर लिखा होता है N और L लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये L वाले साइड से मैंने एक वायर कनेक्शंस करके यहाँ L वाले पॉइंट पर लगाया है, ठीक उसी तरीके से दूसरी साइड यहाँ पर L दिखता है तो यहाँ से मैंने एक वायर जोड़कर स्विच में दे दिया है और इसी स्विच से एक वायर जोड़कर मैंने इसके L वाले पॉइंट में लगा दिया है। आप देख सकते हो, मैंने इस वीडियो में यह बता रहा हूँ कि अगर आपके फ्रिज में करंट वगैरह आ रहा है तो आपको अपने फ्रिज के बोर्ड में ये वाला पॉइंट देना बहुत ही ज़रूरी है, अर्थिंग वाला। ये देखिए जो हमने बीच में पॉइंट लगाया है ये अर्थिंग की पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ पर स्विच पे देखिए, यहाँ पर भी हमने इसको बीच में लगाया है। तो फ्रेंड इससे ये होगा किस तरीके का आपके स्विच बोर्ड में कनेक्शंस करोगे और आपके घर में अर्थिंग भी होंगी तो आपके फ्रिज में कभी भी करंट आने के चांसेस नहीं होंगे। और इस तरीके से एक पावर प्लग के साथ आप एक अच्छे से मजबूत और बेस्ट बोर्ड बनाओगे तो आपके फ्रिज भी जल्दी स्पार्क वगैरह ख़राब वगैरह नहीं होंगी। तो मैं इस वीडियो में सिंपल यही जानकारी देना था फ्रेंड, आपके पास चाहे स्विच बोर्ड कैसे भी हो उसमें अर्थिंग की कनेक्शंस ज़रूर दे, इस तरीके से आप अपने घर पर स्विच बोर्ड बना लें। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो हम नई जानकारी लेकर।